डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन फैक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या है? त्रिकोणमिति की बेसिक अनुपात है। अगर हमारे पास ये तीनों अनुपात दिए हुए है तो इसे हम क्या 0 डिग्री से 90 डिग्री की तुलना करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर इसकी तुलना करते हैं तो कौन से अनुपात तेजी से बढ़ता है या तेजी से कौन से अनुपात में परिवर्तन होता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे या सीखेंगे। तो मिलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पास तीन बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिया। अगर हम इसको 0 डिग्री से 90 डिग्री की तुलना करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच इसकी तुलना करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और साइन 0 डिग्री का दशमलव में क्या मान होता है, दशमलव में भी इसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 क्या होती है, 1/2। और इसका दशमलव में इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5 क्या होती है, 0.5। ऐसे ही साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 क्या होती है, 1/√2। और इसके दशमलव में वैल्यू होती है 0.707। इसके बाद 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3/√2 और इसका दशमलव वैल्यू होती है 0.866। इसके बाद साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और इसके दशमलव में भी वैल्यू क्या होती है, 1। ऐसे ही कॉस जीरो का मान क्या होता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1, मतलब साइन का जस्ट अपोजिट। और इसका दशमलव में भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। और इसके बाद साइन कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है 3/2 और इसका दशमलव वैल्यू, इसकी दशमलव में वैल्यू क्या होगी, 0.866। ऐसे ही 1/√2 दशमलव में इसकी वैल्यू 0.707, 1/2 0.5 और 0 और ये 0। क्या दशमलव में भी इसकी वैल्यू 0 होगी और इसका क्या कॉस 90 डिग्री का मान भी क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद हम देखते हैं 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है, क्या 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। और इसका दशमलव वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। अब 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 क्या होता है, 1/√3 और इसकी दशमलव में वैल्यू क्या होगी, 0.577। इसके बाद 10 45 की वैल्यू क्या हो, 10 45 का मान क्या होगा, 10 45 का मान क्या होगा, 1 क्या होता है, 1 होता है। और इसके दशमलव में भी मान क्या होगा, इसका 1 ही होगा। 1060 के का मान होता है, 1060 का मान होता है √3 क्या होता है, √3 और इसकी दशमलव वैल्यू होगी 0.732 क्या होगा, इसका दशमलव में मान क्या होगा, 0.732। और 1090 डिग्री का मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड मतलब अनंत, और इसकी दशमलव वैल्यू भी क्या होगी, अनंत ही होगी। अब देखिए ये तीनों का हम कंपैरिजन करें तो इसमें देखिए
साइन थीटा जीरो से जीरो और एक के बीच में ही रह गया और कॉस थीटा एक से जीरो के बीच में रह गया। लेकिन आप देखिए टेन थीटा, देखिए टेन थीटा टेन 45 से देखिए ये एक से अनंत तक चले गया, एकदम तेजी से क्या हुआ, एक से अनंत तक हो गया। उसका मान क्या हो गया, एक से अनंत तक हो गया। तो क्या होगा, त्रिकोणमिति के तीनों अनुपात में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अनुपात क्या क्या है, कौन सा होगा, टेन थीटा, टेन थीटा होगा। जिसका मान देखिए, जिसका मान टेन 45 से, टेन 45 में वन था और टेन 45 से टेन 90 डिग्री में देखिए वो इकट्ठे अनंत हो गया, कहाँ हो गया, अनंत हो गया। इसलिए टेन थीटा, टेन थीटा तेजी से बढ़ेगा, उसका मान तेजी से बढ़ेगा, या त्रिकोणमिति अनुपात में टेन थीटा फास्ट को, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा में सबसे फास्ट क्या है, फास्ट कौन सा अनुपात है, टेन थीटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।